उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा दोनों ही पार्टी एक जैसी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चिदंबरम के गृह मंत्री रहते कांग्रेस एनपीआर लाना चाहती थी। आजमगढ़ में अपने खिलाफ पोस्टर लगने पर सपा अध्यक्ष बोले, हमें खुशी है कि भाजपा से ज्यादा कांग्रेस हमारी चिंता कर रही है। राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाने के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। यूपी सरकार में मोहसिन राजा के बयान पर अखिलेश ने कहा कि ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से हमारे कार्यकर्ता और नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी लिस्ट बन रही है और सरकार बनने पर सूद समेत वापस लेंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहराइच के पयागपुर स्थित पूर्व पर्यटन सलाहकार राजा सर्वेंद्र विक्रम सिंह और पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के घर पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरस गए। नौकरी है तो जाओ पकौड़े बनाओ। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं कि जाइए नौकरी चाहिए तो वो सूर्य नमस्कार कीजिए। अच्छा ये बताइए, मैंने भी कोशिश की सुबह और कई बार सूर्य नमस्कार किया, क्या पीठ मजबूत होती है कि हाथ मजबूत होते हैं कि पैर मजबूत होते हैं? तो अगर बेरोजगार बाप हैं वो कौन सा आसन करें? क्योंकि अपने देश में बेरोजगार नौजवानों की भी आबादी बढ़ गई है, क्योंकि नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, उनकी शादियां हो गई हैं, तो बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ी है। रिजवान खान, बहराइच, जनमत न्यूज।